हेलो दोस्तों, जय हिंद डॉगीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हो एक लैब्राडोर रिट्रीवर लेने का, तो किन चीज बातों को ध्यान रखना है वो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जो मर्जी ब्रीड लो, आपको नॉलेज हो या ना हो, माँ के नीचे से बच्चा उठाओ। हर बार कहता हूँ, पेरेंट्स माँ चेक बाप चेक करो ना करो, मदर के नीचे से बच्चा उठाओ सबसे बेस्ट पॉलिसी है, सबसे बेस्ट तरीका है वो पप्पी लेने का। अगर फिर भी किसी कारण आपको पप्पी आप पेरेंट्स के पास नहीं ले पाते हो, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप लैब्राडोर लेने, पीओटी चेक करने के लिए वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, जो लैब्राडोर अगर आप देख रहे हो तो उस पर आओ एयर सेटिंग में। आप ये देख सकते हैं, एयर जो है इसको ट्राइंगुलर शेप में होता है और इसको कान से चिपका, फेस से, हेड से इसको चिपका हुआ है। ये दोस्तों फ्लाइंग नहीं होनी चाहिए। फ्लाइंग का मतलब क्या है, ये ऐसा उठा हुआ, अगर ये ऐसा उठा हुआ है फ्लाइंग है तो इसका मतलब वो मिक्स है। जो कान है वो हमेशा ऐसा जो ट्राइंगल शेप है और कान जो है चिपका होना चाहिए। साइज बड़ा छोटा सकता है, वो वैरी करता है क्वालिटी अकॉर्डिंग, जैसा क्वालिटी है वैसा मतलब वो फीचर स्टैंडर्ड वो कोई मैटर नहीं करता, बट फ्लाइंग नहीं होनी चाहिए। यस ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर वन जो बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं टेल। आप ये देख सकते हैं टेल ठीक और स्ट्रेट है। ठीक और स्ट्रेट दोस्तों, कई बार जगह बच्चे खेलते हैं, बच्चे कई बार खेल रहे होते हैं, तो उस केस में क्या दोस्तों, वो बच्चा टेल को ऐसे कर लेता है फिर छोड़ देगा, फिर ऐसे कर लेगा फिर छोड़ देगा। अगर ये सिर्फ खेलते समय करता है तो घबराने की बात नहीं, वो प्योर है। पर अगर ऐसे करने के बाद अगर नीचे आ जाता है, तो अगर कंटिन्यू ऐसे है लगातार, बी कंफर्टेबल, लगातार ऐसे है तो इसका मतलब वो आपका मिक्स है, प्योर नहीं है। अगर कंटिन्यू लगातार ऐसा रहता है तो अगर अप एंड डाउन हो, अगर स्ट्रेट रहता हमारा, तो हमारा वो लैब्राडोर हमारा प्योर लैब्राडोर में काउंट होगा। तो लैब्राडोर पप्पी देने से पहले ध्यान रखना है आपको कि जो पप्पी एयर और टेल शेडिंग, ये दो चीज़ देख लो, और तीसरा माँ के नीचे से लेना है आपको, ध्यान रखना। और ये अगर आप देखते हो तो आप एक प्योर लैब्राडोर आप ले सकते हो। इसके अलावा जो आपकी पोज, ये तो वैसे दिखा रहा हूँ, क्या शानदार देखो इसको, मतलब सेल्फी में फोटो कितना वाइट और क्या, मतलब अल्टीमेट बेहतरीन, बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लग रहा है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ लैब्राडोर लेने के बारे में, अगर आप पप्पी ले रहे हो तो ये आप देख के ले सकते हो। और उसके बाद क्या दोस्तों, कि अगर आप पप्पी को आप कुछ खिला के चेक कर लो, सर लैग दही कुछ लेके जाओ, बोलो भैया तो खिला के चेक कराओ। अगर वो चेक कराते हैं इसका, तो फिर आप अगर वो खा रहा है पप्पी तो आप ले सकते हो। अगर कई बार वो बीमार होता है या तो कई बार वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो एक बार आप उसको प्रॉपर सा खेल कूद के पैक चेक करके उसको लेके जाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप मतलब उसको मतलब गोलू पूछ करके ले लो आप क्या डॉग की गुदगुदी होती है होती तो है ये देखो तो और हाँ, पप्पी जब लेके जाते हैं दोस्तों, जो ब्रीडर आप वो खाना खिला रहा है, सेम खाना आपको कंटिन्यू करना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। अगर सपोज कि वो रॉयल कैन खिला रहा है, तो आप पार्सी खिलाओ, पेडिग्री खिलाओ, पेडिग्री खिलाओ, दूध दूधी खिलाओ, दूध दूधी खिलाओ, जो वो खिला रहा है वो कंटिन्यू रखो। एक्सपेरिमेंट करने से क्या होगा, उसको जाएगा लूज मोशन, और अगर उसको लग जाएगा लूज मोशन, तो हमारे इंडिया के शानदार वेटनेरियन को सल्यूट, 10 में से सारे 6 बच्चे मार देते हैं वो लोग। 3-4 वेटनेरियन अच्छा होता है, जर्मन जो पढ़ाई करके आते हैं, बाकी मेरे को पता नहीं डिग्री कहाँ से करते, किन्हों कैसे कौन वेटनेरियन बनाता है मेरे को पता नहीं, पर वो बच्चे आपको मार देते हैं। तो ध्यान रखो, ओवर फीडिंग मत कराओ, छोटा सा पेट होता है, ज़्यादा मत खिलाओ, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बारी बार चाचा पा 4 या 5 बार खिलाओ, थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ, कि डायरेक्ट बल्क खिला दोगे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और इसमें नुकसान हो जाएगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो पपी लेके जा रही हो तो जो आपका ब्रीडर खाना खिला रहा है वो खाना ही आपको कंटिन्यू खिलाना है, और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये मिल्की वाइट कलर इसमें कई ब्लैक, चॉकलेट, गोल्डन, जो येलो कलर क्या उसमें आता है, तो और मतलब बस लेके चले गए, जो खाना दे रहा है कंटिन्यू वो करो। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करो, वो एसी में रखा तो एसी में रखो, वो पंखे में रखा पंखे में रखो, नहीं रखा नहीं रखो। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करो, ओवरफीड मत कराओ, ज़्यादा खाना खिलाने के बाद उसको गोदी में लेकर मत घूमो, और स्पेशली पेट को ऐसे सही तरीके ऐसे पकड़ने का, इसको आप मतलब ये पेट को ऐसे ऐसे दबा के मत पकड़ो, अगर ऊपर पकड़ो तो ऐसे पकड़ो, ये कई बार पेट से पकड़ते वो गलत हो जाता है, ऐसा मत पकड़ो, आप प्रॉपर ऐसे हाथ फोल्ड को ऐसे लेके जाओ। वैक्सीनेशन, जब आप वैक्सीनेशन कराने जाओ तो सबसे बात ध्यान रखना कि इसको आप क्लिनिक के अंदर लेके नहीं जाना। क्लिनिक में कई प्रकार का वायरस वगैरह होता है और कई जो डिजीज है जो एयर टू एयर ट्रांसफर होता है, अंदर जाएगा और एयर टू एयर ट्रांसफर जाएगा तो बीमार होकर, वैक्सीनेशन की जगह ये वहाँ से बीमारी लेके आ जाएगा,
तो अगर आप पप्पी लेके जा रहे हो तो क्लिनिक के बाहर खड़े होकर वैक्सीन कराओ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर किसके दिन वैक्सीनेशन कराऊंगा तो अपने डॉक्टर पेशेंट के पास जाऊंगा, अंकल आ गया मैं, बाहर खड़े जाओ अंकल आएंगे या इंजेक्शन लगाएंगे और चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी तरीका है क्लिनिक के बाहर खड़े होकर रहना, और वो एक बेस्ट तरीका है अगर क्लिनिक वैसा है तो, क्योंकि मैक्सिमम देखा है मैंने 50% केसेस में वो क्लिनिक पे जाते हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए और वहाँ से वो बीमारी लेकर आ जाते हैं। ये मेरे साथ भी स्टार्टिंग बहुत हुआ जब मुझे नॉलेज नहीं था, पर आज जो ठोकर खा के मैं सीख गया हूँ तो क्यों आपका बच्चा क्यों बीमार पड़े, उनको ये गाइडेंस इसको शेयर करता हूँ ताकि आपका बच्चा बीमार ना पड़े। हमारा पड़ गया हमें को बताने वाला नहीं था, पर आजकल यूट्यूब का टाइम है, बहुत कुछ सारे नॉलेज अवेलेबल है, तो ये ध्यान रखिए और बस मजा मारिए। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों। अरे ये क्यूटी पाई कैसा पसंद कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। क्यों क्यों भाई, इसको नींद आ रहा है। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, जय हिंद जय भारत, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टा और फेसबुक जाके फॉलो कीजिए।